तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। नेक्स्ट जनरेशन में वापस स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉज कॉइन के छोटे बेटे, कह लो या भी क्यूट बेटा कह लो, तो बेबी डॉज कॉइन इसका नाम रखा है, इसीलिए हम कह रहे हैं क्यूट बेबी या छोटा बेबी, यानी कि डॉज कॉइन। डॉज कॉइन दोस्तों काफ़ी अच्छा, क्यूटनेस तो इसमें बहुत ज़्यादा है। बाकी जितने भी हम क्रिप्टो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दोस्तों लाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं बाकी इन्वेस्टमेंट यू आर ऑन दिस, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना, और हम कोशिश करते हैं किसी भी ऐसे फ्रॉड चीज़ को आप लोग के समक्ष ना रखें। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दें वो करेक्टली हो, इसी बेस पर हम नज़र रखते हुए आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन लवली यू के बाद बहुत जल्दी से प्रचलन में आने वाला कॉइन है, और बेसिकली इसके क्यूटनेस के कारण ही इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और एलन मस्क ने भी इसको सपोर्ट किया था। हालांकि एलन मस्क ने जो था वो डॉज कॉइन को भी सपोर्ट किया था, बट ये अपना बेबी डॉज कॉइन को लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और काफ़ी क्यूटनेस और इसकी मार्केट वैल्यूज कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इसके बारे में कलेक्ट करके आपको देंगे। हमने इसकी वेबसाइट को इसीलिए इसमें खोला है, बेबी डॉज कॉइन है क्या, डेज को और वगैरह वगैरह रिच डिस्ट्रीब्यूशंस दैट आर यूज टू सपोर्ट और चैरिटी पार्टनर्स, जो भी चैरिटी पार्टनर्स इन लोगों ने बना रखे होंगे उसके लिए भी ये काम करेगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात निकल के सामने आ रही है। तो अब देखिए इन्होंने किस किस ने इसको छापा है, वो पेपर ने छापा, ऑडिट ने छापा बेबी डॉज कॉइन। अब कॉइन अब देखिए पेमेंट्स के क्या क्या है, देखो मैजेंटो सपाइड कर रहा वो कम है ना, वो कॉमर्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो पेमेंट मेथड्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डॉज कॉइन फ्रॉड नहीं है, डॉज कॉइन वाकई में कॉइन है और काफ़ी अच्छा ई कॉमर्स मार्केट में अच्छा धमाल जमाएगा। तो बाकी और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है और क्या क्या चीज़ें। देखिए इतने CNBC सब जगह इसका रिपोर्ट आ चुकी है, जमा आ चुकी है, याहू फाइनेंस है, इतनी चीज़ें सारी चीज़ में ये कंटिन्यू अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इनके टोकन कॉमिक्स देख लेते हैं क्या क्या कहने वाले हैं। 5% तो ये हमने को बताया, ईच ट्रांजेक्शन रजिस्ट्रेटेड टू होल्डर्स, तो कही रहा है और हम तो बता भी रहे हैं इस चीज़ को। ट्वीटेड बाय द डॉजर फादर, डॉज फादर कौन है, एलन मस्क हैं डॉज के फादर, आप तो जानते ही हैं। तो क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट मैन रिकॉग्नाइज बेबी डॉज कॉइन ओनली 1 month आफ्टर लॉन्च, इसने कर दिया था है ना। तो ये है, अब देखिए जैसे F1 रेस में भी इन्होंने बहुत अच्छा इसका प्रचार प्रसार किया, क्यूटनेस को उसको दिखाने के लिए काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव इन्होंने बनाया है, और इसका मतलब इसका टीम जो है बेबी डॉज कॉइन की बहुत अच्छा काम कर रही है ना। ये कहीं कहना ही यही इनका कि जैसे अपना रेस कार दौड़ती है वैसे अपना डॉज कॉइन दौड़ेगा, इन्हें काफ़ी अच्छा ये परफॉर्मेंस करेगी और आगे बढ़ेगी इनका कहने का। अब इसके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ बेबी डॉज कॉइन, कौन कौन बेबी डॉज कॉइन को सपोर्ट करा, देखिए कॉइन मार्केट कैप आपकी कर रही है, कॉइन जिसको कर रही है बेस्ट कॉइन कर रही है, पैनकेक स्वैप कर ही रहा है, एल बैंक कर रहा है, GetChat.in कर रहा है, XT.com है, OKX है, बिटमार्ट है, के स्वैप है, ये सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो
जाहिर सी बात है जो डॉज कॉइन है काफ़ी जल्दी ऊपर जाएगा। अब अभी आपको डॉज कॉइन ख़रीदना है या नहीं, है ना, बेबी डॉज कॉइन की बात हम करें तो बेबी डॉज कॉइन, अब देखें बेबी डॉज कॉइन है डॉज कॉइन है शिबा इनू, तीनों में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट हमारे आइडिया से बेबी डॉज कॉइन ही है। इसे क्यूटनेस के मामले में तो 9000 लेवल है इसका, बताइए तो बहुत अच्छा है बेबी डॉज कॉइन। और अब हम आपको बताते हैं कि इसकी मार्केट कैप क्या है, करंट वैल्यू क्या है, अभी ख़रीदने में कितने आपको मिल सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ। अभी दोस्तों अगर बात कर ले बेबी डॉज कॉइन की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इंडियन करेंसी के फॉर्म में, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंडियन रुपीज़ में दोस्तों इसकी जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 0.00000671 93। अब आप सोचिए अगर इतनी वैल्यू, इतनी कम वैल्यू में अगर आपको डॉज कॉइन मिल जाता है आज के डेट में, तो सोचिए आप एक रुपये में कितने डॉज कॉइन आप ले सकते हो, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा वैल्यू इसकी जाने वाली है। अभी करंट मार्केट प्राइस के साथ 14% डाउन चल रहा है, ये दोस्तों आज ही का ही सारा रिकॉर्ड है। तो अगर हम BTC में देखते हैं तो इसे कोई वैल्यू भी आपको देखने को नहीं मिल रही। 24 आवर्स में जो इसका जो अप एंड डाउन चला वो आप इन दो जो वैल्यूज़ आपको दिख रही है, एक तो ये है और एक वैल्यू आपकी ये है, इन दो वैल्यू से आप अनुमान लगा सकते हैं कि डॉज कॉइन में कितना वेरिएशन 24 आवर्स में आया है। यानी कि स्टार्टिंग अगर 59018 था तो अभी आप देखें कितना हो गया 71888, इसका मतलब इसका वैल्यू बढ़ रही है कंटिन्यू। आप मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो उसमें मेंशन नहीं है, और 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम जो इसकी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंडियन करेंसी में ही अगर आप देखें तो आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी मार्केट वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है। और ऐसी अगर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रही तो दोस्तों वाकई में ये आगे बहुत अच्छा कमाल करने वाला है। और मज़े की बात ये है कि इतने कम पैसे में आपको इतने ज़्यादा डॉज कॉइन मिल जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा डॉज कॉइन भी आप ले सकते हो। मान लिया जाए एक पैसा भी अगर वैल्यू जाती है इसकी तो काफ़ी अच्छा ये आपको रिटर्न देखे जाएगा गारंटीड। तो अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे खरीदें, होल्ड कर लें, खरीद के होल्ड कर लें, बेचे ना या सेल ना करें अभी। दूसरी ओर अगर दोस्तों हम इसकी बात डालते हैं बेबी डॉज के कॉइन प्राइस के हिस्टोरिकल डेटा पर, जो आज का आप देख लीजिए 1 सितंबर 2021 का हिस्टोरिकल डेटा ये आपका सामने है, तो और 31 अगस्त 2000 का भी आपके सामने है, तो ग्रोथ रेट चेंजेस में देखने को मिला था, बड़ा था, अप एंड डाउन इसमें चलता रहता है। अभी अगर मान लिया जाए आपको लेना है तो आप होल्ड करके रखिए, ऐसा नहीं कि आपने लिया और एक दो दिन में देखा कि 25% 27% 30% हाइक मिली और आप निकाल दिए। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको जो विड्रॉल चार्जेस होता है वही काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा और इतना प्रॉफिट आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब हम नज़र डाल लेते हैं कि आपको आखिर में 100 रुपये के अगर डॉज कॉइन आप लेते तो कितने आपको बेबी डॉज कॉइन कितने मिल सकते हैं। दोस्तों आपका समय बर्बाद न करते हुए हम आपको सीधे लेके आए हैं LA टोकन के अंदर। LA टोकन के टोकन से भी आप आसानी से बेबी डॉज कॉइन को बाय कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं बेबी डॉज कॉइन आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ बेबी डॉज कॉइन, ये देखिए 2 माइक्रो USDT। माइक्रो USDT इसलिए दिखा रहा क्योंकि $1 में काफ़ी ज़्यादा बेबी डॉज कॉइन आपको मिलने वाले हैं, तो इतना इसीलिए ये दिखा रहा वैल्यू कि आप USDT में न लगा के आप $1 में आप सीधे कन्वर्ट, एक USDT का लगभग लगभग अप्रॉक्स $1 ही होता है, तो $1 में आपको कितने मिलने वाले हैं ये हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो जैसे ही आप $1 वैल्यू जो है यहाँ पर डालते हैं, ये माइक्रो USDT में लिखा हुआ है, ये देखिए आप आगे मेरा $1 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, देखिए $1 जैसे ही मैं डाला तो आप देखिए बेबी डॉज कॉइन की क्वांटिटी ये रही, कितनी ज़्यादा आपको मिल रही है हम काउंट करके आपको दिखा देते हैं कितना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब 90 अरब डॉज कॉइन आपको मात्र 70 रुपये में या 75 रुपये में, जितने में भी डॉलर चल रहा हो,
डॉलर के हिसाब से अगर कहें तो जितने का डॉलर चल रहा होगा उतने में आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो दोस्तों अगर आप सोचें कि एक रुपये में कितने डॉज कॉइन मिलने वाले हैं तो वो भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कि एक रुपये में कितने डॉज कॉइन। देखिए ये हमने वो क्वांटिटी लिख दी है जो हमें एले टोकन के अंदर थी, तो इस वैल्यू को अगर हम 75 मान लेते हैं कि अभी डॉलर चल रहा है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं 75 डॉलर से तो आप देखिए कितना डॉज बेबी डॉज कॉइन एक रुपये में आपको मिलने वाला है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ सौ करोड़ है ना, 120 करोड़ आपको बताइए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ है ना, अरब दस अरब यानी कि 12 अरब आपको बताइए, इतना ज़्यादा बेबी डॉज कॉइन मान लीजिए आप एक रुपये भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसके अंदर, तो आने वाले समय में अगर ये वैल्यू आप मान लीजिए एक रुपये ना जाके 0.00001 भी अगर जाती है आपके सामने कैलकुलेट होकर आएगा, कितनी भी अगर जाती है तो भी एक रुपये लगा के आप 12,000 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। मान ले जाए ये वैल्यू 0.001 ना जाके आपने होल्ड किया और एक साल दो साल आपने होल्ड किया और जीरो वैल्यू आ गई, आप मान लीजिए एक पैसा वैल्यू आ गई आपकी एक पैसा, तो आप सोचिए कि एक रुपये लगा के कितना प्रॉफिट आप ले जाने वाले हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख दस लाख करोड़ यानी कि एक करोड़ एक रुपये लगा के और दो साल तीन साल आप अगर होल्ड करते हैं तो आप दोस्तों खुद देख लीजिए 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आप यूँ लेके जाएंगे। लेकिन इट इज़ योर ओन रिस्क, मार्केट को स्टडी कीजिए। अगर नहीं कर पाते हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, अगस्त में अप एंड डाउन जो आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। बिजनेस करना आपके हाथ में है, प्रॉफिट और लॉस आपका है, इसलिए पैसा सोच समझ कर ही हर डॉज कॉइन या बेबी डॉज कॉइन या लवली इनो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट अपने हिसाब से कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट जनरेशन पीपल आपका स्वागत है।